नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्लिक। उच्च शिक्षा में लगातार जो है हम बदलाव अब नए सिरे से यूजीसी की तरफ से देख रहे हैं। यूजीसी ने तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को अब साफ तौर पे कहा है कि उन्हें अपने यहाँ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट और फोर ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो हैं वो जैसे बुनियादी बदलाव जो हैं वो लाने होंगे। इन बदलावों के बाद में टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में एक गहमा गहमी का माहौल है। कंसर्न हैं वो लोग अपने फ्यूचर को लेके कि आखिर होने क्या जा रहा है। बहुत सारे शिक्षकों के सवाल हैं। इन्हीं सारे मुद्दों पर आज हम बात करने के लिए हैं हमारे साथ वरिष्ठ शिक्षाविद अनीता रामपाल। अनीता मैम, शुक्रिया न्यूज़ क्लिक से बात करने के लिए। मैम, जब हम आपसे बात कर रहे हैं ना, तो देश में जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर जो है एक पूरी बहस छिड़ी हुई है। इस बहस के कोर में जो है ये भी छिड़ा हुआ है, जाहिर तौर पर कई लोगों का कंसर्न था कि भैया हायर एजुकेशन का एक जो क्राइसिस है वो हमें बीते साल में देखने को पूरा मिला है। कॉलेजेस की जो रैंक हम कहें कि कट ऑफ थी वो 90 के नीचे कभी आई नहीं। इसी प्रॉमिस के मतलब इसी को दूर करने के लिए जो है सेंटर ने एक प्रॉमिस किया कि NEP इनका समाधान होगा, लेकिन अब NEP में हम ये देख रहे हैं कि वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट लेना होगा, 4 साल के प्रोग्राम होंगे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। गरीब छात्रों का ये मानना है कि 1 साल बढ़ाने से हमारे ऊपर जो काफ़ी दबाव आ जाएगा। जब आप इन सारे बदलावों को देख रही हैं एज अ शिक्षाविद, तो आपको समझ में क्या आ रहा है कि क्या होने जा रहा है? चिंता है बहुत, क्योंकि केवल ये 4 साल की बात नहीं है, और भी जिस तरह के बदलाव हैं, जो एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक कहा जा रहा है, उसमें ये चिंता है कि जो कोर्स अभी भी अच्छे हैं, जिनको बहुत टीचर्स ने समझदारी से बनाया था, जिस तरह से कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम क्यों जाना जाता है, दिल्ली या कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों जानी जाती है, क्योंकि उसके कोर्स कैसे बने हैं, कितनी, तो उनके साथ भी जिस तरह से अब बिल्कुल खिलवाड़ होने की गुंजाइश दिख रही है। क्योंकि कहा जा रहा है कि कोई स्टूडेंट जो है वो सिर्फ 50% यहाँ के क्रेडिट्स लें जहाँ पर वो इनरोल्ड है, और 50% कहीं से भी लेके आए, किसी भी ऑनलाइन कोर्स से लेके आए किसी और यूनिवर्सिटी। तो ये जो एक खिचड़ी का हमें एक दृश्य दिख रहा है सामने, हमारे सामने, उसमें बहुत चिंता है कि फिर एक कोर्स बनेगा कैसे, एक प्रोग्राम कैसे बनेगा जिसमें जितनी भी मेहनत आप करो और आप जिस तरह से उसका एक डिज़ाइन बनाओ, डेवलप करो, अगर उसमें यह है कि जो भी जिसको कस्टमर चॉइस कहा दिया जाता है कि स्टूडेंट जो है वो क्लाइंट है, कस्टमर है, उसकी चॉइस, वो यहाँ से जो मर्जी लेना चाहे 50% क्रेडिट्स और 50 कहीं और से, तो ये बहुत एक घातक कदम हो सकता है पूरी जो उच्च शिक्षा के कोर्सेज हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनको लेकर, कोई भी यूनिवर्सिटी हो। दूसरा ये कि अब एडमिशन टेस्ट जो है हर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ तो हैं 47-45 जो संख्या है, मगर उनके लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। हमें दो अंतर करने, एक कि अगर एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जैसे कि यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कोर्सेज के लिए होता भी रहा है, हमारे बीएड कोर्सेज के लिए होते हैं कोर्सेज एंट्रेंस टेस्ट, मगर उसके साथ वो एक लेयर होता है, पहली लेयर होती है स्क्रीनिंग की, कि आपने बहुत संख्या में लोगों ने अगर उसके लिए अप्लाई किया तो आप फिर कुछ संख्या को सिलेक्ट करके एक और कदम, एक और टेस्ट, एक और इंटरव्यू, एक और ग्रुप डिस्कशन, कुछ ना कुछ और उसके साथ रखते हो। तो ये 2-3 लेयर्स का होना चाहिए, सिर्फ एकमात्र मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आधार पे एक टेस्ट ले लेना। और जितना बड़ा एक टेस्ट होता है, बड़ा मतलब जितना कंपेटिटिव हो जाता है, उतना ही वो टेस्ट सिर्फ आपके सामाजिक पृष्ठभूमि को देखता है। हमारी शिक्षा के जो हमारी जो थियोरीज है हमको ये बताती है सिद्धांत के, बहुत कंपेटिटिव टेस्ट जो है वो आपकी समझ को नहीं आंकता, वो देखता है कि आपका सोशल एडवांटेज क्या है, मतलब आपने कहीं से कोचिंग ली है, किस तरह के रिसोर्सेज हैं, आपको और पढ़ाने वाले देखने वाले क्या क्या हैं, तो वो ये नहीं देख पाता। और खासकर मल्टीपल चॉइस वो तो और भी खराब है, इतना नीट में हुआ जैसे। हाँ, बट मल्टीपल चॉइस सिर्फ ये जो अब कह रहे हैं सिर्फ मल्टीपल चॉइस, वो तो बहुत ही लिमिटेड है, वो तो बहुत सुपरफिशियल है, आपको मालूम है सारे सिविल सर्विसेज वगैरह सबके लिए लोग वो करके आते हैं। और हमने भी देखा है कि जब हमारे एजुकेशन के कोर्सेज जो कि प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, BEd या MEd हैं, अगर उनको भी सिर्फ मल्टीपल चॉइस से कर दिया गया और उसमें हमारा हाथ बहुत कम रहा, वो कोई और एजेंसी डिसाइड करती है, तो जो लोग आ रहे हैं
वो वही आ रहे हैं जो सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि वो शिक्षा की कोई ललक है या शिक्षा में आगे काम करने की ज़रूरत है, या तो वो बीकॉम किए हैं, साइंस किए हैं, वो उनकी, क्योंकि वो क्या है कि आपने उस तरह की प्रैक्टिस की है, जो ये मार्केट है जिसको हम शैडो मार्केट बुलाते हैं, जो कि कोचिंग करवाती है, तैयारी कराती है, पेपर्स देती है, वो सब एक तरह के सवाल पूछते हैं। और जो लोग उसमें अभ्यास करते हैं, फिर वो उनका अभ्यास है जो दिखता है, वो उनकी बहुत गहरी समझ नहीं दिखती। तो जो वो आंकते हैं वो इस तरह के टेस्ट, वो बहुत एक सतही समझ है। अगर केवल उस पर आप जा रहे हो तो वो तो एक अच्छा मापदंड है ही नहीं कि आप अपने अंडर ग्रेजुएट के लिए या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए आप स्टूडेंट्स को टेस्ट कर रहे हो, और सिर्फ इससे टेस्ट करके तो उसमें और फिर CBSE में उनके 100% कट ऑफ और इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है तो क्वालिटी में, उसकी गुणवत्ता में। तो मतलब एक समय तक ना हम ये समझते थे ना कि जब एजुकेशन को लेके जब बात होती थी तो हमें ये समझ में आता था कि ये नेशन को सर्व करने वाली चीज़ है। क्या ये परिभाषा बदल रही है, आपको ये समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बदल रही है, क्योंकि पॉलिसी भी ये कह रही है कि हम ट्रूली ग्लोबल सिटीजन्स बनाएंगे और ग्लोबल सुपर पावर बनाएंगे। तो वो नॉलेज सोसाइटी, ये कितने इस नेशन के कितने लोग हैं जो उस ग्लोबल सुपर पावर में ग्लोबल सिटीजन्स बनेंगे, तो बाकियों को तो छांटने का काम करेगी, है ना। तो जो भी टेस्ट लेंगे, ये जो पॉलिसी कह रही है कि हम 3री 5वीं 8वीं में, जो कि राइट टू एजुकेशन ने बैन किया था कि कोई कंपेटिटिव टेस्ट बच्चों का 14 साल तक मत लो, अच्छा मूल्यांकन करो, सतत शिक्षा, सतत मूल्यांकन करो, उनकी स्कूल में करो अच्छे ढंग से, मगर कंपेटिटिव एग्जाम, बोर्ड एग्जाम मत लो। क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो केंद्रीकृत एक एग्जाम होता है, सेंट्रलाइज टेस्टिंग, वो हमेशा बहुत दूरी से बना होता है, वो शिक्षार्थी के बहुत दूर होता है, मतलब जिस तरह वो बनता है। तो इसलिए वो जो टेस्टिंग होती है वो बहुत अलग तरह की होती है, और उसमें कौन बच्चे छट जाएंगे वो हम जानते हैं, जो वंचित परिवारों से हैं, जो गरीब पृष्ठभूमि से हैं, जो और बहुत जगहों से आ रहे हैं, वो छट जाएंगे। और CUET में तो साफ कहा गया है कि NCERT का सिलेबस रखा जाएगा। तो NCERT का सिलेबस तो सिर्फ CBSE के 20,000 स्कूल, मतलब बहुत छोटी संख्या है जो NCERT का सिलेबस करते, बाकी स्टेट्स में जो आते हैं वो स्टेट सिलेबस करते। और ये एक फेडरल स्ट्रक्चर है जो हमारा, जिसमें स्टेट का दायित्व है कि वो अपना पाठ्यक्रम, अपनी पाठ्यचर्या, अपनी पुस्तकें बनाए। तो अब हम कह रहे हैं कि अगर तुम्हें सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो वो जो तुम्हारा, तो आप हमारा पाठ्यक्रम पढ़िए, मतलब वो नज़रअंदाज किया जा रहा है, आपको ये ज़रूर पढ़ना होगा जो CBSE का। तो वो कहाँ तक लीगली भी सही है और कहाँ तक न्यायपूर्वक है, इस तरह से कहना कि आपको हम, आप जो कर रहे हो स्कूल में कर रहे हो कोई बात नहीं, मगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है तो यही पाठ्यक्रम की मान्यता रहेगी। इस सवाल पे हम थोड़ा बाद में लौटेंगे, लेकिन मैं इससे पहले जो एक सवाल आपसे जानना चाह रहा था कि देखिए, जब हम, मैं आपसे पूछ रहा था कि जब हम एजुकेशन को देखते थे ना, तो हम ये पाते थे कि ये सोशल मोबिलिटी को भी जो है ना वो करता है, कि एक गरीब घर का बच्चा अगर पढ़ा तो वो जो है पढ़ने के बाद में उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो जो है अच्छी नौकरी ले पाएगा, अच्छे समाज में रह पाएगा और अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे पाएगा। CUET के आपको लगता है कि सीधे तौर पे इस पे हमला बोल रहा है कि सोशल मोबिलिटी जैसी कोई चीज़? मैं एजुकेशन का एक और विस्तृत जो हमारे सामने लक्ष्य रहता है वो सिर्फ ये नहीं कि मैं अच्छी नौकरी ले पाऊँ, बिल्कुल नहीं। हमारी सारी पॉलिसीज कहती हैं कि आपके एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशनल होता है और इसलिए सोसाइटी के लिए भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो आप सिर्फ उसको इंडिविजुअलिस्टिक रूप से नहीं देखते कि मेरा भलाई, मेरी भलाई हो गई, मेरी डिग्री आ गई, मेरे नंबर, मेरी नौकरी। हम तो उसके अगेंस्ट जाते हैं जब भी हम शिक्षा की बात करते हैं, कि हम फिर समाज के लिए, हम किस तरह से, हमारी शिक्षा कैसी मदद करती है कि इस समाज में अगर कुछ बदलाव लाना है। और हम सिर्फ नहीं, जितने भी देश एजुकेशन का एक अपने सारे विजन रखते हैं, हमारे तो सब हैं, हमारी जितनी शुरू की पॉलिसीज हैं बहुत स्पष्ट रूप से कहती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए हमारे सामने, हमारा एक स्तंभ होता है शिक्षा के लिए। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा था कि वोट तो हर एक को हम दे रहे हैं, उसमें हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे। वो भी एक क्रांतिकारी फैसला था कि हम बाकी देशों, बाकी लोकतंत्र डेमोक्रेसी से अलग हटके, हम नहीं देख रहे कि कोई शिक्षित है या उसके पास जमीन है या नहीं है, या महिला या पुरुष है। मगर हम इसीलिए 10 साल में
शिक्षा को पूरी तरह से अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रबंध करेंगे, क्योंकि शिक्षा जुड़ी थी इसके साथ से कि अगर वोट हर एक के हाथ में आना है तो उसकी जिम्मेदारी, और वो हमारी पॉलिसीज 48 की भी कहती है कि लोकतंत्र की जिम्मेदारी क्योंकि हर एक ने निभानी है, इसलिए शिक्षा जो है हर एक को मिलनी चाहिए। शिक्षा सिर्फ प्रिविलेज नहीं है, तो वो एक लोकतांत्रिक जिम्मेदारी के नाते, और लोकतांत्रिक जिम्मेदारी फिर यही है कि मैं अपनी नौकरी का नहीं सोच रही हूँ, मैं सभी का सोच रही हूँ। और इसमें जो न्यायपूर्वक बदलाव आने चाहिए, जो समता आनी चाहिए समाज में, मैं उसी एक, मेरे सामने वो लक्ष्य भी है। सरकार उसी विजन से पीछे हट रही है वो? हाँ, ये क्योंकि सरकार भी इस तरह से देख रही है कि हाँ, कुछ लोगों को जो पे कर सके, खरीद सके अच्छी शिक्षा, ये जो मिल सके, वो अपने लिए रास्ता बना लेंगे, और बाकियों को हम तीसरी पांचवी सबके लर्निंग आउटकम्स चेक करेंगे। हमें इस शब्द से बहुत दिक्कत है, क्योंकि ये पॉलिसी कहती है इनपुट्स पे जोर नहीं दिया जाएगा, तो अब आप सोच सकते हो किसको वंचित किया जा रहा है। जब आप कह रहे हो इनपुट्स में जोर नहीं दिया जाएगा, तो लर्निंग आउटकम्स कहाँ से निकलते हैं, हवा से आते हैं क्या? तो इसलिए हर व्यक्ति को इस होड़ में लगा दो, एक कंपटीशन का माहौल पहले ही खतरनाक है, उसको और ज़्यादा कंपेटिटिव बना दो, तो ये प्रतिस्पर्धा में कहीं फिर वो जो बड़ा लक्ष्य है शिक्षा का, जो देश के प्रति है, जो समता के प्रति है, वो लक्ष्य फिर बिल्कुल मतलब गायब हो जाता है। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। एक मतलब मैं आपका ब्लॉग पढ़ रहा था, है ना, तो ब्लॉग में आपने जो है मैल्कम ग्लैडवेल की किताब है उसका जिक्र किया था कि किस तरीके से जो नोबेल विनर्स हैं वो बहुत रिप्यूटेड, हम कहें कि उससे नहीं निकले हैं, वो ठीक ठाक से इंस्टीट्यूशन से निकले। हाँ, माइकल सैंडल ने भी लिखा है। हाँ, तो लेकिन जब हम भारत में आते हैं तो भारत में अभी जो सरकार का हम जोर देख रहे हैं ना, कि वो ये कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस को ज़्यादा से ज़्यादा कह रहे हैं कि भैया हमें टॉप 200 में आना है या टॉप 100 में लाना है, फिर उन इंस्टीट्यूट्स को भी आइडेंटिफाई करना है, उनको पैसा देना है, जो भी देना है। मेरा सवाल ये है कि क्या इस ये जो पूरी जो रेट रेस होगी कि जिसमें आपको MIT से टक्कर लेनी, सारी चीज़ों से टक्कर लेनी, बिना इसके ये देखे हुए कि उनके उन्होंने इतिहासों में बहुत कुछ जोड़ा है अपने, और मतलब उनका एक अलग तरीके का इतिहास है, तो इस रेट रेस में क्या हमारे इंस्टीट्यूशंस का नुकसान होगा, आपको लगता, आपको आपका क्या विचार है? हाँ, क्योंकि हमारे मापदंड क्या है देखने के लिए कि हम अच्छी एक संस्था हैं, या हम जो हमारी ज़रूरतें हैं उसके आधार पे हम देख रहे, तो हमारे लिए डाइवर्सिटी, हमारे लिए डेमोक्रेटाइजेशन, हमारे लिए पार्टिसिपेशन, इंक्लूजन, ये हमारे मापदंड हैं। ये नहीं कि मैंने कितने पर्चे छाप दिए या कितने पेटेंट सिर्फ कर दिए, तो वो प्रतिस्पर्धा में हम तो बिल्कुल इंक्लूजन भूल जाएंगे ना, तो वो मेरे लिए वो एक संस्था, मैं नहीं कह सकती कि ये मेरी बेस्ट संस्था है। मेरे लिए मतलब हमारी समझ से शिक्षा के उद्देश्य में इक्विटी और क्वालिटी एक साथ चलते हैं। वो क्वालिटी तभी बनती है जब वो इक्विटी भी अपने लक्ष्य में अच्छी तरह से उसको निभाती है। अगर नहीं, वो शुरू से ही छांटती है कि तुम आए हो 5 साल के मेरे पास और मैं टेस्ट लेके कहूँ कि नहीं तुम्हें छाट दिया, तुम्हारी माँ अंग्रेजी नहीं बोल सकती, तुम्हारे पिताजी की सैलरी इतनी है, वो शिक्षा का लक्ष्य ही नहीं है। और वो फिर कहीं भी गुणवत्ता की परख नहीं है। तो मतलब जैसे जब हम शिक्षा को देखते थे ना, तो जब हम शिक्षकों से बात करते थे तो ये कहते थे कि जब गरीब घर से परिवार से बच्चे आते हैं तो वो अपने साथ नया एक्सपीरियंस लेके आते हैं, और जो बाकी बच्चे हैं वो भी इस हम कहें डाइवर्सिटी से ज़्यादा हम एक्सक्लूजन को देखते थे और वो समझते थे। तो हम क्या एक होमोजीनियस, लेट से हम कहें कि एजुकेशन सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं? हाँ, क्योंकि फिर प्राइवेट और पब्लिक में क्या अंतर रहेगा? अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अपने फीस के दम पे और अन्य चीज़ों के दम पे अगर वो इस तरह से सिलेक्शन करते हैं, और फिर दिखाने की ये कोशिश होती है कि हम देखो इतना हमने ये रैंक ले लिया, ये कर लिया, क्योंकि उनके लिए इंक्लूजन है ही नहीं उनका मुद्दा। और मगर फिर पब्लिक एजुकेशन सिस्टम और प्राइवेट में क्या अंतर रहेगा? अगर पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को भी हम इसी तरह धकेल रहे हैं कि जो मर्जी फीस कर लो, तुम अपने सेल्फ फाइनेंसिंग करो, तुम ऐसे कोर्सेज करो जिनको मार्केट में
जिनकी मतलब पूछो, वही कोर्सेज चलाओ जो पैसा ला सकें और फिर जिसमें स्टूडेंट्स जाके आगे पैसा कमा सकें, तो फिर ये तो एक शिक्षा का की परिकल्पना ही कुछ अलग हो गई ना। ये सवाल मैं आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी आपसे कुछ दिनों पहले हमने एक मैथ्स के टीचर है अंबर अभी, उनको भी इंटरव्यू किया था। अंबर वो पहले व्यक्ति थी जिन्होंने बताया कि बहुत सारा जो कंटेंट है हम कहें जो FIUP को लेके जो ले और क्रेडिट्स को लेके आ रहे हैं, उसमें बहुत सारा उन्होंने जो कंटेंट है वो बाहर की यूनिवर्सिटीज से हूबहू उठा लिया, कॉपी किया हुआ है, प्लेजराइज्ड है। मतलब हम एक अपना कोर्स, अपना प्लान नहीं बना सकते कि हम किस तरह का कोर्स चाहते, वो भी हम दूसरी यूनिवर्सिटीज से कट पेस्ट करके ला रहे हैं। तो ये हमारी समझ है, ये लोग कोर्स बना रहे हैं। तो यही पूछना है कि जिन लोगों को हम सामने ला रहे हैं कि अच्छा ऐसा कोर्स बना और ये करो, वो कट पेस्ट करके बना रहे, अपनी कुछ समझ ही नहीं, अपने जरूरतों को नहीं समझ रहे हैं। जरूरतें क्या, अपनी अभिव्यक्ति भी नहीं पे भी कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर टीचर्स को ही आत्मविश्वास नहीं है अपनी अभिव्यक्ति पे, वो भी दूसरे पे प्लेजराइज कर रहे हैं, तो वो अपने स्टूडेंट्स को कैसे प्लेजरिज्म से बचाएंगे। मैम एक और जो सवाल है, अब आते हैं स्टेट्स वाले सवाल पे, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये कहा गया कि बहुत सारी जो एजुकेशन की जो दिक्कतें हैं उसको उनको दूर किया जाएगा, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं और ये लड़ाई तकरीबन शुरू भी हो गई है अब कि तमिलनाडु कुछ कह रहा है और सेंटर कुछ कह रहा है और उसको लेके एक उन दोनों के बीच में विमर्श जैसी स्थिति है अभी, विवाद तो मैं नहीं कहूँगा। तो मतलब स्टेट्स का ये आरोप है कि स्टेट्स को इस मामले में कंसल्ट ही नहीं किया गया किसी भी स्तर पर, जब आप एजुकेशन को देखते, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स भी और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी वो जो है अपने कोर्सेज को उन्होंने अपने हिसाब से प्लान किया ताकि जो है वो अपने बच्चों को उस तरीके से ट्रेन कर सकें, चाहे वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का सवाल है या फिर बाकी दूसरी ट्रेनिंग्स का सवाल है। जब कोई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपने स्टेट्स को कंसल्ट नहीं कर रही है, इसको हम कैसे समझें, क्या हो मतलब क्या रिपरकशन? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुकूल नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही कह रहा है कि शिक्षा जो है वो कॉन्करेंट विषय है, और शिक्षा एक तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, दूसरी तरफ से शिक्षा के जितने भी हमारे सिद्धांत हैं वो ये कहते हैं कि शिक्षा सामाजिक और आपके अपने अनुभव में ही जड़ लेती है, वहीं से शुरू होती है, उस एहसास से, उस अनुभव से, और जो आप वो कोई जानकारी आप में ट्रांसमिट नहीं हो रही, आप ज्ञान की रचना कर रहे हैं, चाहे आप 6 साल के बच्चे हैं या चाहे आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। एक नॉलेज कंस्ट्रक्शन, उसकी संरचना हर लर्नर को करनी है, और वो लर्नर तभी कर पाते हैं जब उनके एहसास और अनुभव से जुड़ के वो चीज़ निकलती है। तो अगर हम उसको बिल्कुल कल्चर से हटा दें, आपके अनुभव से हटा दें और कहें कि कोई सेंट्रलाइज्ड एक कोई बॉडी है वही सब कुछ बना रही है, वो शैक्षणिक रूप से भी सही नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन के रूप से देखें तब भी सही नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन यही रोल स्टेट को देते हैं कि आपको बनाना है। एक और जो चीज़ है कि हम कहें कि आप एजुकेशन पढ़ाती रहेंगे, मतलब शिक्षा को, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि कोई शिक्षा भी पढ़ा सकता है क्या, लेकिन फिर भी मतलब यूनिवर्सिटी ने, और हम पॉलिसी पढ़ाते हैं, मैं तो पॉलिसी का पेपर पढ़ाती हूँ, तो हम कहें कि ये ना अपने आप में एक बेहतरीन सब्जेक्ट है, लेकिन जब कोई यूनिवर्सिटी या जब कोई हम कहें रेगुलेटरी बॉडी जैसे UGC जो है वो ये कह रही है कि आप 4 साल का कोर्स कीजिए, और 4 साल के कोर्स में अगर आपको 7.5 CGPA आता है तो आप सीधे डायरेक्टली एलिजिबल हैं PhD के लिए। एजुकेशन के नज़रिए से, शिक्षा के नज़रिए से जब आप ये फॉर्मूलेशन देखती हैं, क्या समझ में आता है कि ये हमारी शिक्षा को सर्व करेगा? क्योंकि कई लोगों का डर तो यही है कि जो आपने कोर्स बनाया उसमें तकरीबन 3 सब्जेक्ट आप कॉमन मॉड्यूल के पढ़ा रहे हैं, 5 सब्जेक्ट में आप कह रहे हैं कि आप अपने आप को बच्चे को जो है तैयार कर लीजिए PhD के लिए, क्या आपको लगता है ये पॉसिबल होगा? ये मतलब ये ना एकदम से हम एक ही दिन में कुछ इतना बदलाव करना चाहते हैं, हम देखते हैं अमेरिका में क्या हो रहा है, कहीं का मॉडल लेके हम कहीं, ऐसे शिक्षा नहीं, इस तरह से शिक्षा में बदलाव सही नहीं होता है कभी भी। हमें देखना है कि आज हमारे सामने क्या चुनौतियाँ हैं, उनको हम कितना हल कर पाए हैं, कितना उनको मतलब उनसे जूझ पाए हैं, और फिर देखें कि इसको और कैसे सही करना है। ये नहीं कि 3 साल का चलो 4 साल का कर दें, क्यों कर दें, किस पे कितनी बातचीत हुई है इस पे, ऑलरेडी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तो एक ऐसा प्रयोग किया जो दुष्प्रयोग निकला,
सब, और इसीलिए दिक्कत आती है कि जो हमारे बेस्ट टीचर्स हैं या एकेडमिशियंस हैं उस विषय के, वो ऐसी चीज़ों में नहीं घुसते, वो इस होड़ में नहीं लगते हैं, तो इसलिए वो नहीं है। बाकी जिनको कह दिया जाता है आप कोर्स बना दो, वो फिर कहीं ना कहीं से चिपका के बना देते हैं। तो दिक्कत ये है कि क्या समझ है हमारी शिक्षा की, और जो हमारे बेस्ट एकेडमिक्स हैं हम उनकी राय लेते हैं कि नहीं लेते, हम अलग से कुछ अपना एक तय कर लेते हैं एक बहुत ब्यूरोक्रेटिक प्रशासनिक ढंग से और हम उसको लागू करने में लग जाते हैं। क्यों? जैसे इतने स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी, इतने बाहर से स्टूडेंट्स आते हैं, कितना खर्चा होता है उनका, हम हैरान होते हैं देख के। हॉस्टल्स नहीं है, वो पीजी में रहते हैं, कितना महंगा है। हम नहीं सोच सकते कि हम ऐसे पढ़ सकते थे जिस तरह वो आते हैं और पढ़ते हैं, मगर उसको तीन का हम एकदम चार साल बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? इस पर कहीं भी एक अकादमिक चर्चा नहीं हुई है। तो इसलिए दुख होता है कि हम एकदम ऐसे बदलाव करेंगे तो कई लोग फिर छट जाएंगे जिनको मौका मिल रहा था आने का। और फिर आगे पीएचडी के लिए इसमें क्यों, एक मास्टर्स की अपनी कुछ अहमियत है, उनके कोर्सेज हम अच्छे बनाएं, उसको और चैलेंजिंग बनाएं, बहुत कुछ है एक मास्टर्स लेवल के करने का, उसको शॉर्टकट बना के उसको पीएचडी में लाना, हमें नहीं इसका इसका मतलब तर्क नहीं समझ आ रहा किस तरह से ये क्यों ऐसे किया जा रहा है। ये मैम ये सही है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को, क्योंकि जब एजुकेशन में आते हैं वो बहुत लंबा सफ़र करके आते, बीए बीएससी एमएससी करके कई बार बीएड करना फिर एमएड करते, तो वो बहुत लंबा बहुत ज़्यादा, तब हम मैं कहती थी कि एमएड करके एमफिल में मत जाओ अगर तुम्हें वास्तव में रिसर्च करनी है लंबी। एमफिल तब करो जब तुम्हें लगता है कि नौकरी भी चाहिए और एक रिसर्च डिग्री भी चाहिए। तो बहुत सोच समझ के लोग ये इस तरह के निर्णय लेते हैं, उन पर ज़बरदस्ती कुछ नहीं हम थोप देते। मैं ये कहूँ कि एक बात तो ये हुई, लेकिन दूसरी जो बात है और जिसकी जो बात हम शिक्षा के संदर्भ में समझ रहे हैं वो ये कि और इसको कई एक एडमिशन जो है 700 रुपये कह रहे हैं कि एक कम्यूनल असॉल्ट है कि आप स्कूल से जो है स्कूल मतलब एनसीईआरटी की जो पूरी जो सिलेबस है उसे आप डेमोक्रेसी हटा दे रहे हैं, आप उसे डाइवर्सिटी हटा दे रहे हैं, कुछ मुग़ल हम कहें कि पीरियड के जो कुछ चैप्टर्स हैं या उसके बारे में जो समझाने वाले चैप्टर्स हैं उनको हटा दे रहे हैं। जब आप इस तरीके के बदलाव देख रही हैं कैसे ये अफेक्ट करेगा या फिर कैसे बच्चे इससे कोप अप करेंगे? इसलिए चिंता है क्योंकि आज माहौल में भी बहुत टेंशन है। हम देख रहे हैं कि धर्म को लेकर कितना डिवाइसिव एक माहौल है जिसमें छोटे बच्चे या वयस्क जो कॉलेज के भी स्टूडेंट्स जिससे जूझ रहे हैं, और धर्म हो कास्ट हो, मतलब ये चीज़ें गायब नहीं है, ये चीज़ें तो बहुत उभर के आ रही हैं। तो इनको समझने के लिए जितनी और कोशिश होनी चाहिए शिक्षा के माध्यम से, अगर एक तरफ से हम वैसे ही छांट रहे हैं कि भाई गरीब को हटा दो, पॉलिसी में हम रिलीजन नाम नहीं ले रहे, हम दलित नाम नहीं ले रहे, हम सबको SEDG कह रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज, तो एक नाम दे दिया। क्योंकि हमारे लिए शिक्षा में अगर कोई एक ट्राइबल लड़की है या कोई दलित लड़का है या एक मुस्लिम बच्चा है, उसका जो मार्क लेके आइडेंटिटी वो आते हैं, वो आइडेंटिटी बहुत हावी होने का डर होता है सिस्टम में। तो हम जब टीचर्स को ट्रेन करते हैं हम एक इस तरह की एक संवेदनाएं बनाते हैं कि भाई हम कैसे समझें कि कौन कहां से आ रहा है और उसको फिर शिक्षा में किस तरह से उसका इंक्लूजन कैसे हो। पर आप सभी आइडेंटिटीज़ पे एक SEDG लगा देंगे अपने आप में, वो भी एक प्रश्न चिन्ह है। और फिर यहाँ पर आप उसी के चैप्टर्स जो डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी जो बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं जिन पे हमें बहुत एक हमारा विश्वास बनता है कि कम से कम ये NCERT की किताब में सब जगह नहीं है, सब बच्चे नहीं पढ़ेंगे, पर एक कोशिश हुई है जिसमें खुल के एक क्रिटिकल पेडागॉजी है, हम इसको क्रिटिकल पेडागॉजी बुलाते हैं क्योंकि वो पेडागॉजी जो न्याय और अन्याय दोनों को परखना सिखाती है। मैं कहीं से भी हूँ, मैं कितने संपन्न घर से हूँ, पर मैं समझती हूँ क्या कि मेरा देश क्या है, मैं तब समझूंगी कि मेरे साथी अगर किस माहौल से आ रहे हैं, कहाँ से आए हैं वो, और मैं एक ही इम्तिहान ले रहे हैं पर उनकी ज़िंदगी रोज़ की क्या है और मेरे पीछे किस तरह जिसको मैं सोचती हूँ मेरिट है, मेरिट नहीं है वो, और बहुत मेरी संसाधन है। तो ये एक संवेदना हर एक में होनी है, चाहे वो संपन्न है, अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, कोई भी रिलीजन है, वो सबके लिए है। और उसको निकाल देना
तो हर एक के लिए घातक है। मतलब वो एक स्टूडेंट की समझ, जो हम कह रहे हैं एक डेमोक्रेटिक समझ बननी है, और एक न्याय और समता क्या चीज़ है, इसकी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पूरे लेगेसी, एजुकेशन की लेगेसी है, वो ही हम काट देंगे, वो ही रास्ता हमारे सामने से निकल जाएगा। जो और ज़रूरी है, बार बार ये कह रही हूँ कि वो किसी एक जात और एक धर्म और एक क्लास की बात नहीं है, वो हर बच्चे के लिए। शुक्रिया मैम बात करने के लिए। तो ये थे हम अनिता रामपाल, जिनसे हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अलग अलग पहलुओं पर बात की। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ क्लिक से।